हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वंडर देवाशीष। आज मैं सफ़र करने वाला हूँ भातार से वर्धमान होके दुर्गापुर तक गुलसी, बुधभुत और पानागढ़ होते हुए। फ्रेंड्स, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ये वीडियो को देखिए और मेरे साथ सफ़र का मजा लीजिए। ये भातार रेलवे स्टेशन है राइट साइड में। ये रोड मालडांगा रोड है। ये मोड़ भातार मोड़ है। अब हम कटवा वर्धमान रोड से जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड भातार पुलिस स्टेशन है। फ्रेंड्स, अगर आप इस रूट से कभी जर्नी किए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा था इस रूट में जर्नी। हम सब दोपहर को 2:30 बजे निकले थे यहाँ से, अभी 3 बज गया। वर्धमान मतलब चारों ओर धानों का खेत। देखिए, दोनों तरफ धानों का खेत है, हरा भरा है पूरा जगह। वर्धमान वेस्ट बंगाल में सबसे धान प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। बहुत ही मज़ा आ रहा है खेतों के बीच से राइड करने में। इस रूट में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लेफ्ट साइड ट्रेन का ट्रैक है और ट्रेन भी खड़ी है। देखिए, पता नहीं कौन स्टेशन है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेशन है। फ्रेंड्स, ग्रीनरी देखिए। रास्ते से आप कालना, कोलकाता, दुर्गापुर और वर्धमान स्टेशन जा सकते हैं और इधर से कोलकाता दुर्गापुर जाने का रास्ता है। ये वर्धमान में नया फ्लाईओवर बना है, पहले नहीं था तो बहुत ट्रैफिक जाम होता था इस रूट पर। फ्रेंड्स, क्या व्यू है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये फ्लाईओवर बहुत दिनों के बाद बना है, कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से चल रहा था। आप लेफ्ट लेके कोलकाता और राइट से हम दुर्गापुर जा रहे हैं। देखिए, ये दुर्गापुर जाने के लिए रास्ता ये बोर्ड लगा हुआ है और राइट साइड आप वर्धमान स्टेशन जा सकते हैं। वर्धमान टाउन एंटर कर चुके हैं। यहाँ का सीताभोग मैदाना बहुत ही फेमस स्वीट है। अगर आप खाए हैं तो कमेंट कर बताइए कैसे लगा। अगर आप नहीं खाए तो प्लीज़, अगर वर्धमान आए तो ज़रूर खाएँ। ये GT रोड है। और फ्रेंड, अगर कलकत्ता तरफ जाने से आपको शक्तिगढ़ मिलता, जहाँ का लैंगचा बहुत ही फेमस है। वर्धमान भी अच्छा डेवलप कर रहा है। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं।
सब इनेज 19 और पुराना इनेज 2 में आ गए हैं। ये कोलकाता दिल्ली को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे है इनेज 19। यहाँ से दुर्गापुर तक ट्रैफिक कम रहता है, इसलिए गाड़ी ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है। रास्ता भी अच्छा है लेकिन फोर लेन है। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी नए नए वीडियो बनाने का और आपको दिखाने का। देखिए कितना खाली रोड है फ्रेंड, बहुत ही मजा आ रहा है इस रोड में ड्राइव करने। पूरा मक्खन रोड है। ऐसे ये गुलसी जाने का रास्ता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही आपको मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। ये लेफ्ट साइड का रास्ता बुधपुर जाती है। यहाँ से दुर्गापुर का डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, बांकुड़ा 71 और दार्जिलिंग 519 किलोमीटर। ये लेफ्ट साइड से आप पानागढ़ जा सकते हैं। ये पुराना रोड था, पहले बहुत ट्रैफिक जाम होता था इस रोड में, बाद में ये बाईपास बनाया गया, पानागढ़ बाईपास। पानागढ़ से ये 6 लेन स्टार्ट होता है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में पानागढ़ में एयरफोर्स इंडिया के एयरफोर्स बेस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एयरफोर्स बेस है इंडियन एयरफोर्स का। टोल प्लाजा है। यहाँ से दुर्गापुर स्टार्ट होता है। हम दुर्गापुर एंटर कर चुके हैं। खड़गपुर 174 किलोमीटर और बोधगया 305 किलोमीटर। यहाँ से आसनसोल 41 किलोमीटर और दिल्ली
1368 किलोमीटर। ये डीबीसी मोड है, यहाँ से बांकुड़ा दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जा सकते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से सिटी सेंटर और गांधी मोड़ जाने का रास्ता है और सीधा आपका जा रहा है आसनसोल धनबाद। राइट साइड सिटी सेंटर जाने का रास्ता है। राइट साइड से गांधी मोड़ जाने का रास्ता है। फ्रेंड्स, मेरा जर्नी अब ख़त्म होने वाला है। आपको इस वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गांधी मोड़ से दुर्गापुर स्टील टाउनशिप का मेन एंट्रेंस है। राइट साइड से आप हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल और दुर्गापुर का फेमस जंक्शन मॉल जाने का रास्ता है। राइट से सिटी सेंटर जा सकते हैं।